नवरात्र पर माता रानी की प्रतिमा सजाना जरूरी माना जाता है और यही वजह है कि इस मौके पर चाहे घर हो, मंदिर हो या फिर पंडाल, दुर्गा प्रतिमाएं हो, साज सज्जा एकदम अनोखी नजर आती है। कहीं रंग बिरंगी झालरों से देवी मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है तो कहीं ऐसी अनूठी अनोखी मनमोहक प्रतिमाएं सजाई गई हैं जो सबको लुभा रही हैं। देश भर से हम लाए हैं आपके लिए दुर्गा प्रतिमाओं की सजावट की ऐसी ही अनोखी तस्वीरें, देखिए आप भी। देश नवरात्र के रंग में रंगा हुआ है। चारों ओर हर्षो उल्लास से नवरात्र का त्योहार मनाया जा रहा है। माँ दुर्गा के भक्त अपनी भक्ति के प्रदर्शन में कहीं पीछे नहीं रहना चाहते और यही वजह है कि देश के कोने कोने में भक्त माँ दुर्गा का अलग अलग तरीके से श्रृंगार कर रहे हैं। दुर्गा प्रतिमा पर अनोखी सजावट कर रहे हैं। आपको हम देश भर से आई ऐसी ही तस्वीरें दिखा रहे हैं। पुरी के समुद्र तट पर सेंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रेत पर माँ दुर्गा की छवि उकेरी और उन्हें अलग अलग फलों से सजा दिया। इस बार दुर्गा पूजा के लिए हम लोग ने यहाँ पर सैंड आर्ट के थ्रू ये इंस्टॉलेशन किए हैं, जिसमें कि बहुत सारे फूड्स को इंक्लूड किए हैं। हर तरीके के फूड्स को हम लोगों ने यहाँ पर डेकोरेटिव में यूज़ किया है और हर साल पूरी बीच पे देश विदेश से लोग आते हैं यहाँ पर, पर्यटक यहाँ पर भी माँ को दर्शन कर सकते हैं, जो फूड्स और सैंड में ये इंस्टॉलेशन किया हुआ है। दूर से लोग रेत पर उकेरी गई माँ दुर्गा की छवि के दर्शन के लिए यहाँ आ रहे हैं। माँ दुर्गा का ये रूप सबको खूब लुभा रहा है। मैंने दुर्गा पूजा पहली बार देखा और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है और ये बहुत यूनिक है, मतलब तो ये सब देख के बहुत अच्छा लगा मुझे। ओडिशा के कटक में माँ दुर्गा का श्रृंगार कुछ अनोखी तरह से किया गया। यहाँ माँ दुर्गा की प्रतिमा को चांदी के आभूषणों से सजा दिया गया। भक्त दूर दूर से यहाँ दर्शन के लिए उमड़े हैं। माँ दुर्गा की ये सजावट सबका मन मोह रही है। कोलकाता के एक दुर्गा पंडाल में अष्ट धातु से दुर्गा प्रतिमा बनाई गई है, जो करीब 11 फीट ऊंची प्रतिमा है। इस मूर्ति का वजन लगभग 1 मीट्रिक टन है। इस अष्ट धातु दुर्गा प्रतिमा के जरिए पंडाल की दुर्गा उत्सव समिति लोगों को एक दूसरे की मदद करने का संदेश दे रही है। दो साल कोविड की वजह से हम लोग जो फाइटिंग किए हैं और घर घर जाके जैसे सब लोग को हेल्प किए, फूड मेडिसिन ये वगैरह, तो इसमें ना एक कॉन्सेप्ट हम लोग को मतलब आइडिया आया है कि कम्युनिकेशन करना है। ये जो कम्युनिकेशन है, ये कम्युनिकेशन मेन चीज है। कोविड के टाइम में हम लोग ये रियलाइज किए थे, तो जैसे इससे क्या होगा ना, सब लोग डेली आ सकेंगे और पूजा में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकेंगे, सबका कम्युनिकेशन भी होगा। तो इसीलिए हम लोग इस बार 1 टन का मेटल का ये मूर्ति प्रतिस्थापन किए। आंध्र प्रदेश के अमलापुरम में श्रद्धालुओं ने माता के दरबार को नोटों से सजाया। मंदिर प्रशासन ने यहां भक्तों के साथ मिलकर देवी वासवी अम्मा को करीब 2 करोड़ रुपए की राशि से सजा दिया। देवी की इस अद्भुत छवि को देखने लोगों की जमकर भीड़ जुट रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।